जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। फालूदा तो आपने बहुत पिया होगा और चाइना ग्रास का हलवा भी खाया होगा, लेकिन आज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक बहुत ही बढ़िया डेजर्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हम रेडीमेड फालूदा मिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक पैकेट है उसे हमें आधे लीटर दूध के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो हम यहाँ पर टोटल एक लीटर दूध लेने वाले हैं, इसलिए हमने इस तरह के दो पैकेट लिए। आप किसी भी ब्रांड का फालूदा मिक्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जो फालूदा मिक्स लिया है उसमें इस तरह का एक बड़ा और एक छोटा पैकेट है। और अब हमने यहाँ पर एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है और अब हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है। फालूदा मिक्स में जो छोटा वाला पैकेट है उसे हमें इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से दोनों पैकेट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे चला लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ दूध में भी एक उबाल आ चुका है। तो फालूदा मिक्स का जो बड़ा वाला पैकेट है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक फालूदा मिक्स आधे लीटर दूध के लिए है। हमने एक लीटर दूध लिया है इसलिए हमने दो पैकेट्स लिए हैं। इस तरह हमें इसमें ऐड कर देना है और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पर हमने जो फालूदा की सेवई बॉईल करके रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जिस एक गिलास पानी में हमने इसे बॉईल करके रखा हुआ है उसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो फालूदा पकने के लिए हमने रख दिया है और दूसरी तरफ हमने एक बर्तन में आधा गिलास पानी लिया है और इस पानी में हमें ऐड कर देना है चाइना ग्रास। तो हमने यहाँ पर 15 ग्राम चाइना ग्रास लिया और इसे पानी से अच्छी तरह धोकर 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। एक बार इसे चला लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चाइना ग्रास पानी में पूरी तरह घुल ना जाए। तो इस तरह हमने इसे लो फ्लेम पर पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व होने तक पका लिया है और ये बन चुका है। और दूसरी तरफ इस फालूदा को लो फ्लेम पर पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है और अब हमने जो चाइना ग्रास बनाकर रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। क्योंकि हमने यहाँ पर रेडीमेड फालूदा मिक्स लिया है तो उसमें ऑलरेडी चीनी होगी, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है। क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा का चाइना ग्रास लिया है उसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दी। तो इस तरह से चाइना ग्रास और चीनी ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए और पका लिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तुरंत ही हमें इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद जिस कंटेनर में या फिर थाली में आप इसे सेट करने वाले हैं तुरंत ही उसमें ट्रांसफ़र कर दें। और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम और काजू ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर देना है, फिर हम इसे फ्रीज में रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने इसे 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया। और अब हम इसमें से इस तरह से पीसीस कट कर लेंगे और इसी के साथ बहुत ही मज़े का हमारा फालूदा घास बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग डेज़र्ट है, स्पेशली समर में और रमज़ान में इफ्तार के वक्त आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।